हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल जैंगिट। मैं पंकज जैंगिट आपका शो पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले फ्लिपकार्ट जो कार्डलेस क्रेडिट लिमिट आपको प्रोवाइड करता है, आखिर वो क्या है, आपको कैसे मिल सकती है, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और कौन सी जो फाइनेंस कंपनी है जो अपनों को वो क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर रही है, इन सब के बारे में बात करने वाले। सो गाइस, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं पंकज जैंगिट और आप देख रहे टेक्निकल जैंगिट। चलिए शुरू करते हैं। बात करने वाले थे फ्लिपकार्ट की जो कार्डलेस क्रेडिट लिमिट है उसके बारे में, आखिर वो कैसे मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुझे 20,000 की लिमिट मिली है। ये कैसे मिली? इसके अंदर दोस्तों जो सिस्टम होता है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर ही, जब आप सर्च करते हैं कार्डलेस क्रेडिट को, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिख जाता है अप्लाई का, जो आपको डिस्प्ले में दिख पा रहा है। यहाँ से जब आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जब आप अपने डिटेल्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स है इसमें पेस्ट करेंगे, उसके बाद लमसम 1 से 2 दिन के अंदर आपको लिमिट ये प्रोवाइड की जाएगी। और ये प्रोवाइड जो कर रही है दोस्तों, वो कंपनी है इंडिया बुल धरी, यानी इंडिया बुल की ही सिस्टम है जो आपको एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड कर रही है विदाउट क्रेडिट कार्ड। तो इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले देखे, इसमें नॉर्मली देखे तो दोस्तों आपको 20,000-30,000 वो आपकी डिपेंड करेगा सिविल स्कोर पे और आपके ट्रांजैक्शन पे, आपकी जो सैलरी है उस पे, सब कुछ पे डिपेंड करेगा। और इसे सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों को ये फैसिलिटी मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपको लिमिट मिलती है उसे आप कैसे कैसे यूज दे सकते हैं। क्या आप इसे ईएमआई में यूज दे सकते हैं, क्या आप उसे नॉर्मल शॉपिंग के अंदर यूज दे सकते हैं, तो क्या सिस्टम है दोस्तों। जो आपको लिमिट मिलती है सिर्फ आप फ्लिपकार्ट के अंदर उसे यूज दे सकते हैं, विदाउट और कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप उसे यूज नहीं ले सकते। सेकंड चीज दोस्तों, इसे जब आप यूज देते हैं, नॉर्मली आप शॉपिंग करते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जितनी आपकी लिमिट है उतने तक का आप वो प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। उसकी पेमेंट हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होता है, यानी आप आज अगर तारीख है 6 तारीख है, तो आप अगर आज परचेज कर देते हैं तो अगले महीने की 15 तारीख को उसकी पेमेंट करना होगा, उससे पहले आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए 15 तारीख, तो यानी 5 तारीख को बिल आपका जनरेट होगा और उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा पे का, और उसे आपको खुद को ही पे करना होगा, ऑटोमेटिकली अकाउंट से डिटेक्ट नहीं हो। और बात की जाए दोस्तों, क्या हमें ईएमआई भी प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, आप अपने जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी ईएमआई भी आपको सेल्फ ही पे करनी होगी, यानी उसमें पे का ऑप्शन आ जाता है हर महीने के 5 तारीख को, उसके बाद पे का ऑप्शन आ जाता है। पे पे क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं उसकी। तो ये सिस्टम है दोस्तों इसको अप्लाई करने का। मैंने अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं अप्लाई करके तो नहीं दिखा सकता। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में लिखिए, मैं जरूर उसका कोई समाधान के लिए दूसरा अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, आप समझ गए होंगे कि फ्लिपकार्ट कार्डलेस क्रेडिट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे यूज दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप आगे हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे फाइनेंस के रिगार्डिंग वीडियो डे टू डे लाते रहते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।